जी क्या हाल है आपके। तो भाई आज बॉम्बे में हमारा पहला दिन है। दिन की शुरुआत थोड़ी सी खराब हुई है क्योंकि हुआ क्या, कल रात को मेरे पास दो फोन रखता हूँ आपको पता ही है, तो जो एक फोन है वो मेरा छूट गया कल बेंगलोर एयरपोर्ट पे। ठीक है तो भाई बस क्या ही बताऊँ उसके लिए क्या क्या झेला है। अब वो फोन कल आएगा, मतलब कुल मिला के दो दिन के लिए मेरे पास वो एक फोन नहीं है, तो पूरा इसमें लगा रहा है। तो दिन की शुरुआत थोड़ी सी बुरी, लेकिन अभी हम जा रहे हैं बॉम्बे, आपको दिखाई रहे हैं हम, धीरे धीरे पूरा दिखाएंगे सारा जो बॉम्बे जिस चीज़ के लिए पॉपुलर है सब कुछ आपको दिखाएंगे। अभी हम जा रहे हैं मोहम्मद तैफ के घर पे। मोहम्मद तैफ रिकमेंडेड कैंडिडेट है, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, एंड हम जाके कवर करेंगे उसके भाई क्या स्टोरी है, कैसे उस बच्चे ने करा, उसकी फैमिली स्ट्रगल क्या है। नेवी नगर में जा रहे हैं उसके घर, तो बस अभी हम निकले हैं, जल्द जल्दी काम है। इसके अलावा आज हमें एक और चीज़ करनी है, आज हमें आईपीएल मैच भी देखना है। आईपीएल मैच है आरसीबी वर्सेस चेन्नई का, आज हमें वो भी देखना है। तो आज के दो टास्क है बॉम्बे के, और इसके अलावा जो भी बॉम्बे में आएगा वो आपको दिखाएंगे। ये देखो ये मतलब बॉम्बे का वो है, अगर इसको हम दिखा पाएँ तो ये देखो बॉम्बे की ना खास बात है, एक तरफ हाई राइज बिल्डिंग्स है इतने ज़्यादा, और उसके बिल्कुल बगल बगल में इनको चोल्स बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप की होती है चोल्स, बिल्कुल मतलब उस टाइप का एरिया, दीज आर नोन एज चोल टाइप का एरिया। ठीक है, तो एक तरफ तो हाई राइज है और एक बिल्कुल उनके साथ में ये चोल्स है। ठीक है, एक मुझे आपको बताने एक मूवी में भी था कि एशिया की शायद पता नहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी वो कौन सी थी, कौन सी मूवी में था वो, स्लमडॉग में नहीं स्लमडॉग में नहीं, जो रजनीकांत की मूवी थी, वो जो सबसे बड़ी वो थी, चोल नहीं बोलेंगे वो, अनऑथराइज जो भी थी वो चीज़ कौन से वो देख ली, अरे रजनीकांत की थी। चलो जो मूवी आए याद आएगी वो बता दूंगा मैं आपको याद आई तो। ये देखो KGF आ रही है, तो दिल्ली में तो इस टाइप के पोस्टर नहीं लगे होते, लेकिन बॉम्बे में देखो ये लगा हुआ है। ठीक है, KGF मैंने तो वैसे पार्ट वन भी नहीं देखा इसका कोई है मेरे जैसा जिसने KGF का पार्ट वन भी ना देखा हो। ठीक है, लग रहा होगा सबने कौन सी गाड़ी ली है, नहीं तो फकीर आदमी की फकीरी देख लो, ज़्यादा महंगी गाड़ी नहीं है, बस मर्सिडीज चला रहे हैं जी। अब ठीक है, अब क्या करें भाई, फकीर आदमी है, चलानी पड़ती है। नहीं एक तो यहाँ पे भाई टैक्सी वाले जो है बड़े ख़तरनाक आदमी हैं, एक तो उनका मीटर इतना तेज भागता है मुझे लगता है कुछ तो उसमें गड़बड़ है। ठीक है, थोड़ी सी दूर के कल 130 रुपये का मीटर हो गया, और उसमें फिर भैया कह रहे हैं भैया 150 कर देना। मैंने कहा भैया 150 किस बात के, कह रहा 20 रुपये लगेज के। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया भाई, कह रहा रात में चला रहा हूँ भैया। अब रात में चलाने के ऑलरेडी वो पैसे ले चुका है मुझसे एक्स्ट्रा, मीटर की रीडिंग एक्स्ट्रा होती है रात में, उसके बाद भी उसको एक्स्ट्रा चाहिए। हाँ, दिस इज़ इंडियन नेवीज़ ऑफिस। ठीक है, तो यही है भाई, ये वो है सारा पूरा, फिर ये वही है, वही वाला एरिया। हम ना हम नेवी नगर में तो जा रहे हैं एक्चुअली, इसलिए तो भाई कितनी पार्किंग, कितनी देर की, एक घंटे की। भाई साहब ये देख रहे हो मुंबई तो मतलब पार्किंग और पेट्रोल ने लूट लिया है। ठीक है, पर्स खाली हो गया हमारा पार्किंग और पेट्रोल में, 120 रुपये पेट्रोल है, ठीक है पार्किंग है। सर पर मैं कह रहा हूँ फाइन भी 500 रुपये है ना सर। अच्छा पार्किंग ना लगा देगा, चाबी लेके गाड़ी संभालते हैं, इसके लिए 100 रुपये लेते हैं, और बाकी अगर इधर ऐसे छोड़ के जाएंगे फोटो क्लिक करेगा सीधा 500 रुपये। चलो नहीं नहीं वो तो दे ही दिया हमने आपको चलो धन्यवाद। इतना अमीर हो जाएंगे ये जब भी बॉम्बे आएंगे ना, ताज में रुको बस इतना ही दे दे भगवान इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। 50,000 रुपये पर नाइट है, 50,000 रुपये पर नाइट तो ठीक है, 2-3 दिन आए बॉम्बे रुके, बस इतनी ही फकीरी चाहिए, इससे ज़्यादा फकीरी नहीं चाहिए। नहीं भाई चलो आ जाओ, चलते हैं और चीज़ें वो भी देखते हैं। ये देखो कितनी शिप्स हैं, शिप्स ही शिप्स हैं, शिप्स ही शिप्स हैं, जहाँ जहाँ तक दूर आप देख सकते हो
केवल आपको शिप्स ही दिखेगी और सामने गेट ऑफ इंडिया है, इसके सामने भाई ये ताज है, याद होगा 26/11 हैं, हाँ जी टाटा का है सब कुछ, टाटा की गाड़ी है सफारी सब कुछ ही राजा है जी टाटा यहाँ के। नहीं भाई चलो जी, बहुत ही बेहतरीन है मामला। ठीक है हाँ जी, तो फाइनली हम आ गए हैं देखो गेटवे ऑफ इंडिया। भीड़ देखो पहले तो, भीड़ कितनी है ज़बरदस्त लेवल की यहाँ पे भीड़ है। ठीक है, और यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं, एक तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिस इज़ गेटवे ऑफ इंडिया, आपने बहुत फोटोज़ में देखा होगा, वीडियो में देख लो, सो दिस इज़ गेटवे ऑफ इंडिया, और जिसके ऊपर लिखा हुआ मैं वो पढ़ के बताता हूँ, मैं लिखा हुआ है इरेक्टेड टू कमेमोरेट द लैंडिंग इन इंडिया ऑफ देयर इंपीरियल मैजेस्टी किंग ऑफ जॉर्ज 5 एंड क्वीन मैरी ऑन द 2nd of December MCMX11। तो द पॉइंट इज MCMX11 को डी कोड तो ऐसे कर पाए, लास्ट में 11 है, किंग जॉर्ज 5 है तो जो 1911 होगा। ठीक है, बिकॉज किंग जॉर्ज 5 आए थे उस टाइम 1911 जो कैपिटल शिफ्ट करी थी कोलकाता से दिल्ली, तो उस टाइम पे बनाया गया है भाई। तो सुंदर सी बिल्डिंग ये है, और अगर इस तरफ देखोगे तो यहाँ पूरा समुद्री समुंदर है, उसको भी दिखाएंगे आगे क्या है। इधर ये ताज है भाई, दिस इज ताज, आप देख सकते हो दिस इज ताज होटल, बहुत ही बड़ा है, मतलब मैंने ये तो ऑब्वियसली सबसे अच्छा है सुना ही था, दिस इज मतलब नेक्स्ट लेवल, इतने कमरे हैं कोई हिसाब किताब नहीं है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा है, और मैं वही कह रहा हूँ इतना ही फकीर बन जाए बस कि इसमें रुकते रहे, रेगुलर एक बार नहीं रेगुलर रुकते रहे। ठीक है, ये इसके साइड में शायद ताज का ही मुझे पार्ट लग रहा है कि जो ताज बाद में बनाया होगा, तो दिस इज न्यू ताज बिकॉज इसमें ताज का देखो बना हुआ है, वो देख रहा है वो हाँ। जो खिड़कियाँ ताज जैसे वो बनी हुई ना, मुगल आर्किटेक्चर को फॉलो करा हुआ है, तो ये है। बाकी तो फिर इधर दिखा देते हैं थोड़ा सा आगे, हमारी फेवरेट चीज़ें हैं विजयंता टैंक। तो द पॉइंट इज हम है बेसिकली मिलिट्री एरिया में, तो आपको यही सब चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, खुद तैफ जो है नेवी नगर में ही रहता है, तो यही सब चीज़ देखने को मिलेगी। देखना ऊपर ये हमारे हीरोज़ के फ़ोटो हैं, परमवीर चक्र, मेजर एस शर्मा। ये हॉस्पिटल है इंडियन नेवी का, अच्छी बात है कि सारे अपने यहाँ पे आर्मी भी यहीं पे, नेवी भी यहीं पे, सब कुछ चर्च। हमारे पीछे भाई 2-स्टार गाड़ी आ रही है, चली गई। ऐसा क्या किया सर आपने जहाँ पीछे गाड़ी पड़ी हुई है? 2-10 पुलिस है, आर्मी की गाड़ी आ रही है पीछे। अरे समझ रहे, वैसे ढूंढ रहे हैं कि कौन है जो इतना जो इतने सिलेक्शन करवा रहा है, जो इतने सिलेक्शन करवा रहा है कौन कहीं है? कल पता है परसों भाई बंदे का फोन आया मेरे पास, जिसने एग्जाम था, कह रहे सर मैं आपके खिलाफ ना FIR कर रहा हूँ, एक बार मेरी थोड़ी सी तो वो ही दुख हुई मुझे। ठीक है, कह रहा आप ना UPSC का पेपर लीक करा देते हो। मैं डर गया था एक बार को, तो मैंने कहा भाई क्या कह रहा है। ठीक है, लेकिन भाई चलो ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है यार, ये तो है ना, ये दिखा रहा है हेडक्वार्टर ऑफिसर मैच दिखा रहा है, तो फ़ोन करना पड़ेगा टैफ को, लगभग फ़ोन कर लेते आगे। हाँ सर थोड़ा वहाँ पे लगा लीजिए, अभी एंट्री कराना पड़ेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, आ जा। बहुत ही बढ़िया,
अब आगे चले गए थे ना, देखा अरे पता नहीं मैप क्या क्या दिखा रहा था हमें कहाँ कहाँ पहुँच गए। हाँ मतलब कुछ रिलेटिव वगैरह है तो पास बनाना पड़ता है, डिपेंड करता है जैसे आप लोग कहते हो एक दिन का पास बनेगा, अगर कोई रिलेटिव आ रहा है घर से उनके लिए 14 डेज ऐसे ऐसे वन मंथ का पास बनेगा। आपकी मदर मेरी में फादर पापा कहाँ पहुँच गए अभी? तो यहीं पे है, मतलब बीच में कारवा पहुँचे थे बट अभी वापस यहीं आ गए सिक्स मंथ पे। ये सब हमारे लिए बहुत बड़ी नई बात नहीं है, मैं रहता हूँ तिहाड़ जेल। ऐसा है? और आपके फादर भी तो आर्मी में थे ना? आर्मी में थे और तिहाड़ जेल में। किस तरफ चलना? यहाँ यहाँ से। तो आप अब तिहाड़ जेल में हैं और ये मेरी दीदी का लड़का है। अच्छा। ये रहता है पुलिस स्टेशन जिला पुलिस में है, तो पुलिस स्टेशन के अंदर ही हुआ स्टाफ रहता है, तो ये सब यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है ऑब्वियसली। हाँ ये सब अभी तो अलाउ कर देंगे, तो कोविड के टाइम पे तो बिल्कुल हम लोग को ऐसे बाहर जाने ही नहीं देते थे। अच्छा। मतलब जब लॉकडाउन वगैरह था ना, तो मतलब जब नॉर्मल भी हो गया था कोविड, फिर भी बाहर निकलना अलाउड नहीं है। ओके। सिर्फ हॉस्पिटल जा सकते हो। काफी अच्छी सोसाइटी बना रखी है नेवी का। यही है कि पोस्टिंग अच्छी हो जाती है और एरिया वगैरह अच्छा मिलता है। हाँ क्योंकि सारे कोस्ट पे ही रहेंगे जितनी पोस्टिंग्स रहेंगे, ओवरऑल ठीक रहेगा। आर्मी में तो कहीं भी जा सकता है अंदर, ठीक है। पापा की भी कितनी जॉब बची है? पापा की बस मेरे वजह से बढ़ा रहे हैं। अच्छा। अभी मैक्स आई गेस 2024 तक करेंगे, ये छोड़ देंगे। ओके। तो अर्ली रिटायरमेंट ले लेंगे वैसे। हाँ पहले प्लान था मेरा 12th खत्म हो, एनडीए हो जाए, फिर छोड़ देंगे। हुआ नहीं एनडीए, तो एक साल बढ़ा लिया। अब अभी है कि जॉइनिंग हो जाए प्रॉपर थोड़ा सा, इसके बाद भाई का भी अभी 12th है, तो उसका 12th खत्म होने के बाद। अच्छा। और बॉम्बे में कब से हो तुम? मैं 8 साल हुए। ओके। मतलब बीच में, मतलब मैं बचपन से मुंबई में हूँ बट बीच में 2 साल के लिए विशाखापट्टनम गया था पोस्टिंग, उसके बाद वापस मुंबई। ओके। पर हो कहाँ से? मैं छत्तीसगढ़ से। ओके। स्टार मतलब वैसे तुम्हारे तो मतलब बर्थ भी तेरी बॉम्बे में हुआ या रायपुर में हुआ? तो यार काफी बड़ी वो है, मतलब टाउनशिप है पूरी। इंटरव्यूज डन अपना, अब कुछ खाने पीने है। मार्केट बड़ी सही है भाई नेवी नगर की, ये दिखाना है एक बार, मार्केट दिखाइयो कितनी सही है। दिल्ली में ऐसी मार्केट ना बहुत महंगी महंगी मार्केटें होती है, ये इनके अंदर ही बनी हुई है, देखो फाउंटेन तक है। शॉपिंग मॉल्स में होती है ऐसी मार्केट नहीं। चलो अब बताओ क्या अच्छा मिलता है? पार्टी देते हैं। हाँ रिकमेंड होने की। हाँ रिकमेंड होने की पार्टी हम दे रहे हैं टैफ को, बताओ क्या भाई? पानीपुरी है,